नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट जाने वाली सभी उड़ानें रद्द। इसराइल लेबनान तनाव के चलते कई एयरलाइनों ने लिया यह फैसला। यहां देखें पूरी लिस्ट। भारत को जमीन, समंदर, आसमान के अलावा स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर के लिए अभेद्य चक्रव्यूह बनाना होगा। सबसे खराब, भयानक, बुरा सपना। भारतीय अमेरिकी सीईओ ने एयर इंडिया की धज्जियां उड़ाई, कंपनी को देना पड़ा रिफंड। देखें वीडियो। यूपी के बंगाल तक झमाझम बारिश। ओडिशा में बाढ़ से डूबे सैकड़ों गांव, जाने ताजा मौसम का हाल। तिरुपति लड्डू में मिली जानवरों की चर्बी, अब उठने लगी विरोध में आवाजें। बीजेपी ने बताया हिंदुओं का अपमान। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया समेत कई प्रमुख एयरलाइनों ने इस क्षेत्र के लिए अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा की चिंता करते हुए कई प्रमुख एयरलाइनों ने अपनी सेवाएं रोक दी हैं या अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्पेस वार शुरू हो चुका है। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद अब सोलर सिस्टम में धमाके हुए हैं। पिछले दो दिन में धमाकों के तीन पैटर्न में 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 से ज्यादा घायल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन को बनाने में एक साल से ज्यादा का समय लगा। भारतीय अमेरिकी सीईओ अनिल पटेल ने हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट से यात्रा की। उन्होंने अपनी यात्रा का अनुभव एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने एयरलाइन के दावों की पोल खोल दी। इसके बाद एयरलाइन को अनिल पटेल रिफंड करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी और बिहार के साथ अन्य राज्यों में बारिश के कारण मौसम का मिजाज बदल गया। कहीं मौसम सुहावना हुआ तो कहीं मौसम की मार से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में मानसून फिर से सक्रिय हुआ और तबाही मचा दी। टीडीपी ने विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए और दावा किया कि इसकी पुष्टि लैब में हुई है। अब टीडीपी के इस दावे के बाद देश भर में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। भाजपा ने कहा कि आंध्र प्रदेश की पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और कहा कि जिम्मेदार लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।